Welcome to Stock Market Sanskar, presented by the Avadhoot Sathe Trading Academy, India's highly rated and most loved stock market training institute, Suprabha. Leverage. Dalal Street, final bell. 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्कामार के, मैं ब्रजेश जी, हमारे साथ है अवधूत साठे। स्वतः अवधूत जी, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे खोजे? देखिए, दो तरीके होते हैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के, या तो फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए या टेक्निकल, और कॉम्बिनेशन कीजिए। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स यानी क्या? ऐसे स्टॉक्स जो डिजर्व करते हैं अच्छी प्राइस, बट उनकी करंट मार्केट प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है। फंडामेंटली अगर आपको ट्रैक करना है स्टॉक्स को और जानना है कि वो अंडर वैल्यूड है या नहीं, तो आपको कई सारे रेशोज को ट्रैक करना होगा, और उस स्टॉक के रेशोज को इंडस्ट्री के अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करना होगा। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, पीईजी रेशो होता है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होती है, फ्री कैश फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की अर्निंग्स ठीक नहीं है लेकिन उनके एसेट्स लाइबिलिटीज अगर आप कंपेयर करो, या उनकी जो बुक वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर ये रेशो काफ़ी कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यू कहलाया जा सकता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेयर आप करंट शेयर प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर के साथ कंपेयर करो और देखिए कि जिस सेक्टर में वो स्टॉक बिलोंग करता है, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कंपैरिजन में अगर उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो उसे अंडरवैल्यूड कहा जा सकता है। काफी सारे लोग पीजी रेशियो का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बजाय आप अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है वो भी देखिए। तो फंडामेंटली ट्रैक करना स्टॉक्स को उतनी आसान बात नहीं है। मैंने भी ये तरीका अपनाया था काफी शुरू में, और कुछ हद तक लकी ठहरा, कुछ हद तक मैंने लॉसेस भी किए, क्योंकि वैल्यूएशन जो होती है कोई कंपनी की, उसी वही वजह होती है। और स्पेशली हमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वो सेक्टर कैसे करेगा, कंपनी में कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या, और वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस को अपनाया, और वो है प्योरली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। तो अगर आपको ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस द्वारा देखने हैं, थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन यूज करो। उस सेक्टर में कोई बदलाव आ रहा है क्या वो देखो, क्या वो सेक्टर बढ़िया करेगा आने वाले समय में, और वो हमें समझ में आता है डिमांड सप्लाई एनालाइज करके।